मूवी शुरू होती है और कुछ कुंग फू वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि बादलों में उड़ रहे थे। इस जगह का नाम किंग यान था और इसके अंदर कई कुंग फू स्कूल थे। ये सभी वॉरियर्स स्कूल के स्टूडेंट्स थे। बाद में जैंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वो भी इस स्कूल का स्टूडेंट था। जैंग कमजोर था और अपने सीनियर्स के जितना शक्तिशाली नहीं होता, पर वो एक नेक दिल का इंसान था और इसलिए उनके सीनियर्स उन्हें पसंद करते। जैंग सबके लिए खाना भी बनाता है। उनमें टियन नाम की एक लड़की भी थी जो उसके मास्टर की बेटी होती है। जैंग को टियन पर क्रश था, पर टियान उसे अपना भाई मानती थी और हमेशा उसका ख्याल रखा करती। अब सभी लोग जैंग के साथ डिनर के समय बात कर रहे थे क्योंकि 10 साल हो गए हैं लेकिन जैंग एक अच्छा कुंग फू वॉरियर नहीं बना है। टियन हमेशा जैंग को उसकी ट्रेनिंग में मदद करती है। वो जैंग से कहती है कि उसे अपने पूरे ध्यान से अपनी एनर्जी को बाहर निकालनी है, लेकिन जैंग अपनी एनर्जी पर फोकस नहीं कर पाता क्योंकि वो टियन की सुंदरता की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। फिर जैंग को याद आता है कि 10 साल पहले इसी दिन उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। यह सुनकर टियन जैंग को अपने विलेज ले जाती है। जैंग उसे बताता है कि 10 साल पहले जब वो घर लौट रहा था तो तब उसने अपने घर के पास बिजली का एक स्टॉर्म देखा था। जैंग के पिता कुंग फू मास्टर थे। वो एक डेमन से लड़ रहे थे और उस डेमन ने मास्क भी पहना था। उसके पिता ने उस शैतान को हरा तो दिया, पर उस डेमन ने आखिर में अपने थंडर वॉ के साथ उन पर हमला कर दिया और बाद में वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया। फिर जब वो अपने दोस्त के साथ अगले दिन उठा तो गांव के सभी लोग मरे हुए थे और उन लोगों में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। तब जैंग ने खुद से वादा किया कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेकर ही रहेगा। और तभी वहाँ पे कुंग फू मास्टर्स पहुँच जाते हैं। टियन भी तब उनके साथ थी और जैंग ने उस मास्टर से कहा कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले जिससे कि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। और तब से जैंग इसी स्कूल में है। जैंग टियन को बताता है कि 10 साल बीत गए लेकिन फिर भी उसे नहीं पता कि विलेजर्स को किसने मारा। बाद में हम उस कुंग फू स्कूल को देखते हैं जहाँ पे वो सभी कुंग फू मास्टर्स इकट्ठा हो रहे थे और वहाँ पे एक लेडी कुंग फू मास्टर भी होती है जो सिर्फ लड़कियों को ही अपना स्टूडेंट बनाती थी। वो सभी वहाँ पर कुंग फू कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और जिसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। और तभी लेडी मास्टर भी कहती है कि उनकी स्टूडेंट सुकी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी स्टूडेंट्स रात में चुपके से जुकी की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। जुकी बहुत ही सुंदर होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजह से जैंग वहां उसकी ट्रेनिंग के बीच में गिर जाता है। बाद में वो जैंग को पनिश करने के लिए उसके ऊपर खुजली वाले कीड़े को छोड़ देती है। बाद में टियन रात को जैंग की बॉडी पर तेल लगाती है जो कि काफी मुश्किल से मिलता है। जैंग की खुजली उस तेल की वजह से रुक जाती है और उसे अच्छा फील होता है। और टियन को उसकी इतनी केयर करते देखकर उसे लगता है कि शायद टियन भी उसे पसंद करती है। अगले दिन जैंग एक नदी के पास जाता है और किसी को वहाँ पर बुलाता है। उस नदी में से एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है। जैंग अक्सर उस ड्रैगन से मिलने आता रहता और उसके लिए वो खाना भी लेकर आता। जैंग उस ड्रैगन से कहता है कि वो टियन को उसकी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है। अगले सीन में टियन अपने पिता के कुंग फू स्क्रोल्स जैंग को देती है क्योंकि वो जैंग को उस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है। बाद में जैंग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और इसी बीच उसके लॉकेट का स्टोन चमकने लगता है जो स्टोन उसके पेरेंट्स ने दिया था। उन्होंने उसे कहा था कि ये स्टोन बहुत ही पावरफुल है, पर ये स्टोन उसे कंट्रोल भी कर सकता है और इसीलिए उसे इस स्टोन को एक गहरी खाई में फेंकना पड़ेगा। जब जैंग उस स्टोन को फेंकने जाता है तो इसी बीच वहाँ पर एक बंदर पहुँच जाता है और जैंग के पीछे पड़ जाता है। वो जैंग से उस स्टोन को लेने के लिए उसे धक्का देता है और जैंग फिर वहाँ की एक गहरी नदी में गिर जाता है। जैंग पूरी तरह से डूब जाता है, पर वो स्टोन उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो उस नदी से बाहर आता है तो बंदर फिर से उससे उस स्टोन को छीनने की कोशिश करता है और वो जैंग को काट लेता है। वो स्टोन उसके हाथ में निकला हुआ खून अब्सॉर्ब कर लेता है और तभी उस नदी में से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है और जैंग का पत्थर उस स्टिक के साथ मिल जाता है जिससे कि वो स्टिक पावरफुल हो जाती है। और वो लोग इस स्टिक को ब्लड सकिंग ब्रेड भी बुलाते थे। सभी मास्टर्स भी वहाँ पर उस स्टिक को दूर से देख रहे थे और वो कहते हैं कि शायद वो ब्लड सकिंग ब्रेड फिर से वापस आ गई है और सभी शैतान उस स्टिक को पाने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी ओर कुछ डीमंस और उनके किंग को दिखाया जाता है और वो गोस्ट किंग इस स्टिक को लाने के लिए अपने साथियों को भेजता है। बाद में वो मैजिकल स्टिक जैंग के पास आ जाती है और वो उस बंदर को दलदल में से बचा लेता है जिससे वो बंदर भी अब जैंग को परेशान करना बंद कर देता है।
तभी वहाँ पे एक अनजान लेडी जैंग पर अटैक करती है और उस जादुई स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। पर तभी जुकी और टियन वहाँ पर पहुँच कर जैंग को बचा लेते हैं और वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। इस बीच जैंग ने नोटिस किया कि उसका हाथ ठीक हो चुका था जहाँ पर उस बंदर ने उसे काट लिया था। जैंग उस मैजिकल स्टिक के बारे में किसी को नहीं बताता। अगले दिन फिर से वो अनजान लड़की स्कूल तक पहुँच जाती है। जब जैंग सो रहा होता है तो वो लड़की उस स्टिक को चोरी करने की कोशिश करती है। वो उस स्टिक को चुरा कर भागने की कोशिश करती है पर वो स्टिक उसे बार बार जैंग के पास खींच लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये छड़ी जैंग के साथ जुड़ गई हो। फिर सुबह होते ही और जैंग के जागने के बाद वो लड़की भाग जाती है। मास्टर्स जैंग को बताते हैं कि उसे भी उस कुंग फू कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और ये सुनकर जैंग खुश हो जाता है। बाद में जैंग का दोस्त आता है जो इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ खबर लेकर आया था। यहाँ पता चलता है कि शायद टियन भी जैंग के दोस्त को पसंद करती थी और उन दोनों को एक साथ देखकर जैंग का दिल टूट जाता है। और तभी उसे कुछ लोग उसकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, पर वो असल में उस अनजान लड़की के पीछे भाग रहे थे और उन्हें देखकर जैंग भी भागने लगता है। दौड़ते वक्त वो एक पहाड़ के नीचे जाकर छिप जाते हैं और वो लड़की फिर से उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक उस लड़की को बेहोश कर देती है। जैंग शाम को उसके लिए खाना बनाकर लाता है और वो लड़की जैंग को खत्म करने के लिए तैयार थी, पर जैंग से बात करने के बाद उसे जैंग अच्छा लगने लगता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन वो कॉन्टेस्ट भी शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। फिर मास्टर्स उन्हें बताते हैं कि गेंदों के माध्यम से उनमें से 63 छात्रों को चुना जाएगा और जिसके पास एक नंबर की गेंद होगी वो सीधा दूसरे राउंड में पहुंच जाएगा। सभी कुंग फू वॉरियर्स उन बॉल्स को पकड़ने के लिए उड़ने लगते हैं, लेकिन जैंग उड़ नहीं पाता और इसलिए उसे नीचे पड़ी हुई एक गेंद मिलती है। जैंग उस गेंद को लेने जाता है पर जुकी उस बॉल को अपनी गेंद से बदल देती है। फिर जैंग को पता चलता है कि उसे एक नंबर की बॉल मिली है जिससे कि उसे पहले राउंड में खेलने की जरूरत नहीं है। जैंग बाद में जुकी से पूछता है कि उसने उसे वन नंबर की बॉल क्यों दी, तो जुकी उसे जवाब देती है कि वो अपने लक की बजाय लड़कर इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहती है। बाद में पहला राउंड शुरू होता है और आधे स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जुकी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करती है, पर वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसके मास्टर उसे दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करती है। जुकी इस बात को नहीं मानती और उसके मास्टर उसे एक मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो हिल हो जाती है। जैंग भी दूसरे राउंड में लड़ता है पर उसकी स्टिक ही सामने वाले को बेहोश कर देती है और जैंग उस लड़ाई को बिना किसी एफर्ट से जीत जाता है। रात में खाने के दौरान जैंग को पता चलता है कि उसके और टियान के अलावा और कोई भी उसकी स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाया और सभी वहाँ जैंग के लिए खुश होते हैं। कॉन्टेस्ट के अगले दिन जैंग अपने दोस्त के साथ लड़ता है और जुकी टियान के साथ लड़ती है। जैंग अपने दोस्त के साथ अच्छी तरह से फाइट करता है और उसे हरा देता है और उसके दोस्त को लगता है कि जैंग अब तक अपनी जादुई शक्तियों को छिपा रहा था और वो वीक नहीं था। जैंग को भी उसके दोस्त ने जो कहा उसके लिए उसे बुरा लगता है और वो उस स्टिक की वजह से नहीं जितना चाहता था। वो उस स्टिक को दूर फेंक देता है और दूसरी तरफ जुकी भी टियान को लड़ाई में हरा देती है। जैंग के मास्टर भी उसे डांटते हैं क्योंकि उसने सबसे अपनी मैजिकल पावर्स के बारे में नहीं बताया। फिर जैंग का मंकी उसे रात में नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पर जुकी बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि उसकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग की वजह से वो घायल हो गई थी। जैंग फिर उसे अपनी मेडिसिन देता है और वो ठीक हो जाती है और जुकी भी जैंग को पसंद करने लगती है। अगले दिन उनकी फाइट होने वाली है पर फिर भी जैंग उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। जैंग के मास्टर उसे कहते हैं वो इस कॉन्टेस्ट में यहाँ तक पहुँचा वो उनके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है और वो जीते या हारे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस फाइट में जैंग को घायल होता नहीं देख सकते। बाद में जैंग और जुकी के बीच फाइट शुरू हो जाती है और जैंग अपनी स्टिक के बिना वीक हो गया था और बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। जुकी फिर से उस पर हमला करती है पर इस बार जैंग की स्टिक उसके पास पहुंच जाती है। जैंग घायल हो गया था पर इस स्टिक के आने के बाद वो जल्दी से हील हो जाता है और वो उस फाइट में जुकी से अच्छे से लड़ने लगता है। मास्टर्स भी उस स्टिक को पहचान लेते हैं और बाद में जैंग उस लड़ाई को जीतने ही वाला था पर वो जुकी को घायल नहीं करना चाहता था इसलिए वो उस फाइट में हार जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो जादुई छड़ी चुराने में नाकामयाब रही थी। अब गोस्ट किंग सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देता है। पहले हमें पपेट डेमन दिखाया जाता है
जो कुंग फू वॉरियर्स को कंट्रोल करके उन्हें मार रहा था। बाद में दूसरा डेमन सभी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी के डीमंस भी सभी स्टूडेंट्स को मार देते हैं। मास्टर्स को पता चलता है कि शैंग एक ईवल एनर्जी का यूज कर रहा था और उन्हें उसे भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो किया वो नियमों के खिलाफ और खतरनाक था। शैंग का दोस्त फिर इस खबर के साथ आता है कि गोस्ट किंग ने अपने सभी डीमंस के साथ अर्थ पर हमला कर दिया है और बाद में वो शैंग को कैद करके चले जाते हैं। पर अनजान लड़की शैंग को वहाँ से छुड़ा लेती है और अपने जादू से सबको सुला देती है। बाद में वो शैंग को गोस्ट किंग के पास ले जाती है, जो कि उसके पिता थे। गोस्ट किंग शैंग से उस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन उस स्टिक में शैंग का खून था और इसलिए वो स्टिक फिर से शैंग के पास चली जाती है। गोस्ट किंग फिर शैंग को मारने की कोशिश करता है, पर उसकी बेटी उसे रोक लेती है। गोस्ट किंग अपनी बेटी को बेहोश कर देता है और गोस्ट किंग और शैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर शैंग को बचाने के लिए सभी स्टूडेंट्स और मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी कुंग फू वॉरियर्स गोस्ट किंग पर अटैक करते हैं, पर गोस्ट किंग उन्हें खत्म कर रहा था। टियन और जूकी भी उस लड़की से लड़ रहे थे, पर शैंग उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो घायल हो जाती है। बाद में सभी मास्टर्स अपनी थंडर वॉ से घोस्ट किंग पर अटैक करते हैं। फिर शैंग को याद आता है कि उस दिन उनके गांव में इस तरह की ही थंडर हो रही थी, जब 10 साल पहले उसके पेरेंट्स और गांव वालों का अंत हो गया। इसके बाद वो अपने मास्टर्स के साथ घोस्ट किंग को हरा देते हैं। घोस्ट किंग कहता है कि शैंग के पास एक ईविल वेपन है जो उसे कंट्रोल करके उन्हें खत्म कर देगा। बाद में मास्टर्स शैंग पर हमला करते हैं, पर शैंग उन सभी को हरा देता है और शैंग भी उस स्टेक के कंट्रोल में आकर ईवल बन चुका था। और उसे ये भी समझ आता है कि उन मास्टर्स में से ही किसी ने उसके पेरेंट्स को मार दिया होगा, जो ब्लड सकिंग ब्रेड को लेने गांव में आए थे। वो अपने मास्टर्स को मारने के लिए जाता है, पर तभी टियन बीच में आती है और शैंग को वापस लाने की कोशिश करती है। टियन के साथ बातचीत करते समय शैंग अपने कंट्रोल में वापस आ रहा था। मास्टर की बात सुनकर जूकी उसे मारने के लिए उस पर अटैक करती है, पर उसका सीनियर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अंत में जूकी भी शैंग को नहीं मार पाती और उसे यहां से बहुत दूर जाने के लिए कहती है। शैंग फिर उस लड़की के साथ चला जाता है जो घोस्ट किंग की बेटी थी और जिसने उससे वो स्टिक चुराने की कोशिश की थी। और मूवी यहां पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।